हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम देखेंगे, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं ये हम देखेंगे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये हम देखेंगे, कुछ गाइडेंस लेंगे, एंजल गाइडेंस लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है, और लास्ट में हम लेंगे कुछ लव मैसेजेस। तो स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह गाइडेंस से। तो सबसे पहले आज मैं देखूंगी सोल जर्नी से क्या गाइडेंस निकल कर आती है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। करेज फर्स्ट कार्ड है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है करेज, सेकंड कार्ड है एनवी और थर्ड कार्ड है डिनायल। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप में से ज़्यादातर लोग हैं और करेज की ज़रूरत है, कुछ तो किसी तरह के फियर से निकलने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप या आपके पर्सन किसी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, किसी की बुरी नज़र है आपके रिलेशनशिप पर, किसी ने नज़र लगाई है, या कोई अपना हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, किसी ने मैनिपुलेशन किया है। लेकिन करेज से आपको स्ट्रेंथ रखना है और कॉन्फिडेंस रखना है, आप इस डर से बाहर निकलेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर आई है, पहला गाइडेंस आपके लिए सोल जर्नी से। मोनोलॉजी से लेते हैं कुछ कार्ड्स, देखते हैं क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। मून के अकॉर्डिंगली आपके इमोशंस कैसे चल रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी, मिथुन राशि हो सकती है। दूसरा कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज, हो सकता है मेष राशि हो आपकी या आपके पर्सन की। थर्ड कार्ड है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि चेंज ना किया जा सके। बॉटम ऑफ द डेक है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो, कन्या राशि आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है। सो ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये तीन राशि बोली है तो ये तीन राशि ही है, अभी और सारी ही राशियां होती हैं, क्योंकि जब हम करंट एनर्जी निकालते हैं तो उसमें सभी साइंस होते हैं। लेकिन इन तीन लोगों को अगर आपकी राशि मेष है या मिथुन है या कन्या है, तो यहाँ पे सीधा सीधा गाइडेंस है कि आप में से इन लोगों के इमोशंस, आप लोगों को किसी तरह का जवाब मिल सकता है, इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है और इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपकी तरफ कोई एक्शन होता हुआ दिख रहा है। सो आपके इमोशंस यहाँ पर निकल कर आए हैं, देखते हैं मैसेज गाइड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन, कभी भी चिंता करना वेस्ट है। और दूसरा कार्ड है प्रैक्टिस मॉडरेशन, चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। एंड थर्ड कार्ड है पोजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन, हो सकता है आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हों, बेसलेस टॉपिक पे चिंता कर रहे हों, हो सकता है आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत ना हो। आने वाले टाइम में आपको आंसर मिल सकता है, किसी तरह की क्लैरिटी मिल सकती है। सो ज़्यादा चिंता ना करें, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट ना करें, पॉजिटिव रहें। करंट एनर्जी चेक करते हैं आपके पर्सन की। सबसे पहले आज हम देखेंगे आपके तरफ आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनकी पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, सबसे पहले आज हम देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स।
मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मिस करते हैं, टू मोर कार्ड्स। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस बॉटम ऑफ द डेक द सन यिन एंड यांग द थिंकिंग मैन। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है, सबसे पहला कार्ड है नंबर 35 फर्स्ट चक्रा, फिर हमारे पास है नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नंबर 52 गॉडेस ऑफ द मून, नंबर 22 यिन एंड यांग, नंबर 37 थर्ड चक्रा, नंबर 34 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 46 एंड 47 थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमेन, नंबर 24 एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज एंड नंबर 1 द सन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में अबंडेंस लाना चाहते हैं, आपको एक हैप्पी लाइफ देने चाहते हैं, एक प्रॉस्परस लाइफ देना चाहते हैं। वो ऐसा सोचते हैं आपको लेकर कि आपके लाइफ में जब वो आएँ या आपको जब वो एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में लेके जाएं, तो आपके लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम्स ना हो, हर तरीके की पॉसिबिलिटीज़ वो निकाल रहे हैं आपके लिए ताकि आपके लाइफ में अबंडेंस हो, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हो, आपके लाइफ में हैप्पीनेस हो, कभी भी किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको ना गुजरना पड़े। वो आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चाहे आपके पर्सन मेल हो या फीमेल हो, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आपको वो बताते नहीं हैं क्योंकि द मून का कार्ड है, हाइड करते हैं अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये आपके बारे में, आपके साथ एक फ्यूचर, आपको लेकर जो भी ब्यूटीफुल मोमेंट्स रहे हैं वो सब ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप ही के साथ ये खुश रहते हैं, आप ही इनको हील करते हो और ये आपको हील करते हैं। हील करना मतलब होता है कि एक दूसरे के ज़ख्मों पर एक तरह से मरहम हैं आप लोग। यिन एंड यांग की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं और ज़्यादातर लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे को ही आप कंप्लीट करते हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो इन्हें भी कुछ साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ या तो फिर इनके ड्रीम्स में आप बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हैं, जिस वजह से ये इमोशनल हो जा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ये मिस कर रहे हैं आपको बहुत स्ट्रांगली। देखते हैं इनकी करंट सिचुएशन क्या चल रहा है इनके लाइफ में इस वक्त, करंट एनर्जी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ वैंड्स, कन्फ्यूजन है, दो ऑप्शंस हैं इनके लाइफ में, एक तरफ आप हैं एक तरफ कोई और है, ये कोई और काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, दो में से किसी एक को चूज़ करना है, इस तरह की एनर्जी बॉटम की है। देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं हमारे पास। टू ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन में, जैसा कि मैंने अभी कहा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं। कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस एरीज लियो सेजिटेरियस, ये साइंस अभी तक आई हैं।
सो सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि ये पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉसिबिलिटीज़ को निकाल रहे हैं। नाइन ऑफ वैंड्स, कभी कभी ये बहुत इनसिक्योर हो जा रहे हैं, इनकी फीलिंग्स में आ रहा है, इन्हें लग रहा है कि इन्हें बहुत लोगों से फ़ाइट करना होगा, हो सकता है जिनसे इन्हें फ़ाइट करना हो आपकी तरफ आने के लिए वो इनके अपने हो, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। जस्टिस, किसी तरह की लीगल सिचुएशन से भी गुजरने को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ये गुजरेंगे आपके लिए, इस तरह की एनर्जी है, मतलब कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। द मून का कार्ड अभी हमने देखा और द मून का कार्ड यहाँ से भी आया है। इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं इस टाइम, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप में जस्टिस करना चाहते हैं। अगर मैरिड हैं ऑलरेडी तो निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से, मे बी हैप्पी नहीं है उस रिलेशनशिप में। अगर सिंगल हैं तो आपके तरफ कोर्ट मैरिज का ऑप्शन आ सकता है, वेट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं और आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो सकते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो आप दोनों का जो लव है वो म्यूचुअल है, सोलमेट कनेक्शन है। येन एंड यांग का कार्ड भी आया था, तो सोलमेट और कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके रिलेशनशिप पे, सो म्यूचुअल लव है, मिस कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली आपको। फिर हमारे पास है सिक्स ऑफ कप्स, डेफिनेटली कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं इस टाइम, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हैं। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इस समय पास्ट को लेकर जी रहे हैं आपके साथ। उन्होंने अगर ब्रेकअप किया, लड़ाई की, या अच्छी मेमोरीज, बुरी मेमोरीज, सब कुछ उन्हें याद आ रही है। सेवन ऑफ कप्स, मे बी चॉइसेस हो इनके लाइफ में, मे बी आपके लाइफ में चॉइसेस हो, कुछ ट्रस्ट इश्यूज हुआ हो या किसी बात को लेकर लड़ाई हुई हो, तो इस समय ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लास्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स, ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे पॉजिटिवली आपकी तरफ बढ़ने की, जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं एक एक करके, ये एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है इनकी करंट एनर्जी में। देखते हैं कुछ और कार्ड्स लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, क्या चल रहा है इस वक्त उनके लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, सक्सेस चाहते हैं। एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस एंड एरीज लियो सेजिटेरियस, सभी साइंस हैं, न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। अभी मैंने आपको देख के बताया करेंट एनर्जी में कि इनसिक्योर हो रहे हैं किसी चीज़ को, किसी स्टेप को लेने के लिए इन्हें बहुत ताकत की ज़रूरत लगेगी, अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे इनसिक्योरिटी इस वजह से दिख रही है। लेकिन ये केयरफ्री होके आगे बढ़ेंगे, स्टेप लेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, सक्सेस मिलेगी आपके रिलेशनशिप को, कम्प्लीशन होगा और कमिटमेंट भी मिलेगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, आप में से कुछ लोग के पर्सन एज में बड़े हो सकते हैं, कुछ लोगों के एज में छोटे हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है। स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको इस समय, अगर कांटेक्ट हो रहा है तो भी, ना हो रहा है तो भी। अगेन सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, मेमोरीज ऑफ लव, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या हो सकता है आप अलग कर्मा साइकिल में हो, ये अलग कर्मा साइकिल में हो, किसी तरह का पिनेकल आप कंप्लीट कर रहे हैं, टफ साइकिल देखी है आपने, कमिटमेंट से आज तक भागते हुए आए हैं, लेकिन इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और आने वाले टाइम में ये कमिटमेंट से भागेंगे नहीं, आपकी तरफ बढ़ेंगे, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। क्या ये कमिटमेंट देंगे मेरे व्यूअर्स को, क्या कॉल मैसेज आने की उम्मीद है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है।
फर्स्ट कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है डेथ, थर्ड कार्ड है थ्रोट चक्रा, एट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, डेस्टिनी, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड द ट्रूथ। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि किसी तरह की सच्चाई इनको पता चली है, किसी तरह का क्लैरिटी इनको मिला है। दो सिचुएशन में ये जगल कर रहे थे, लेकिन आने वाले टाइम में दो में से किसी एक सिचुएशन को ये क्लियरली छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे किसी एक सिचुएशन को। अब देखना है कि ये किस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, वहाँ से निकलना चाहते हैं। एक एक करके हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे फोर ऑफ पेंटिकल्स। मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए फोर नंबर इम्पॉर्टेंट है, फोर आवर्स, फोर डेज। देखते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, भले आपके लिए किसी को भी सैक्रिफाइस करना पड़े, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। आपसे अगर दूर हुए हैं किसी की वजह से भी, अगर आपसे डिसकनेक्ट हैं, तो इनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ की सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटी को खो दिया है, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अवेयरनेस मैजिशियन का कार्ड है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए आया है। फोर को फोर ने क्लैरिफाई किया है, तो डेफिनेटली यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल्स मतलब फोर नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम क्लैरिफाई करेंगे डेथ क्यों आया है डेथ नेक्स्ट एक्शन में। मे बी फैमिली इनके लाइफ में चॉइसेस लेकर आई है, या तो अगर मैरिड हैं तो फैमिली की वजह से आपसे ब्रेकअप हुआ है, या अगर अनमैरिड हैं तो इनके लाइफ में इनकी फैमिली इनके लिए रिश्ता तय कर रही है या ऑप्शंस लेकर आई है, जिसकी वजह से आप लोगों में ब्रेकअप हुआ है। तो इन्होंने आपके साथ एंडिंग करी हुई है, इसलिए डेथ का कार्ड आया है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट एक्शन में कुछ लोगों के पर्सन ब्रेकअप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली इशूज़। ठीक है, विद इन फोर आवर्स, विद इन फोर डेज। ठीक है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। थर्ड पार्टी से आपको लेकर लड़ाई भी होते हुए दिख रही है, ये जो डेथ का कार्ड है। आपको मैं यही सजेशन करूंगी कि आने वाले चार घंटे और चार दिन सामने से इन्हें कोई कॉल मैसेज ना करें, नेक्स्ट मूव सामने से कॉल मैसेज ना करें। ये खुद ही आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, ये खुद ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर। इनका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, मतलब कि ये आपके लिए सबसे लड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। अगर ये आपको कॉल मैसेज करते हैं और आपने इन्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो ये उल्टा आप पर भारी पड़ सकता है। ठीक है, ये आपके साथ नेक्स्ट एक्शन में ब्रेकअप कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, अगर आपने इन्हें फोर आवर्स फोर डेज़ के अंदर इनसे कोई आर्ग्यूमेंट की। तो आने वाले टाइम में फोर आवर्स फोर डेज़ अगर इनका कॉल मैसेज आता है, बिल्कुल नॉर्मल रिप्लाई दीजिए, सामने से कोई क्वेश्चंस पुट अप मत करिएगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। ये खुद आपके सोलमेट हैं और आपके साथ ही न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये आपके लिए सबसे फाइट कर रहे हैं, सबसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ ही हैप्पी होंगे, आप ही के साथ अपनी हैप्पीनेस, अपनी लाइफ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है।
अब हम क्लैरिफाई करेंगे एट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है एट ऑफ सोर्ड्स नेक्स्ट एक्शन में, कहाँ स्टक है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, कहाँ स्टक हैं। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, सैक्रल चक्रा, लव बिगिंस एंड बैलेंस। देखिए ये किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, या तो पेरेंट्स की वजह से या तो थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन ये आपके बिना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। सैक्रल चक्रा रिप्रेजेंट अ हैप्पी लाइफ, प्लेजर इनके लाइफ में किसी तरह का नहीं है, आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये आपके साथ ही न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये आपके साथ सारी सिचुएशन बैलेंस करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में ये सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन इनको किसी तरह का प्रेशर ना दिया जाए। अगर इस समय आपने इन्हें किसी तरह का प्रेशर दिया या क्वेश्चंस किया या लड़ाई की तो आप पर भारी पड़ेगा, ये बताया जा रहा है आपको एंजल्स के द्वारा। ओके, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, किसे खोने से डरते हैं, क्यों डिप्रेस्ड हैं, क्यों सैड हैं। ओके, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, बात करना चाहते हैं आपसे कॉल मैसेज पे। ऑब्स्टिकल्स आपके रिलेशन में इतने आ रहे हैं, भड़काया जा रहा है इनको, इसलिए ये बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। मे बी अपने इनके खिलाफ हैं, मे बी अपनों से लड़ना पड़ रहा है स्टैंड लेने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं इस वजह से डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, या अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही है इस वजह से सैड हैं, तो यहाँ पे आपसे बातचीत होगी 4 आवर्स 4 डेज़ के अंदर। ज़्यादातर लोगों को कॉल मैसेज आएगा, लेकिन अच्छे से बात करिएगा, नॉर्मल बात करिएगा, जनरल बात करिएगा, शादी या रियूनियन या कमिटमेंट को लेकर इनसे फ़िलहाल कोई बात मत करिएगा आने वाले 4 डेज़ के अंदर, अगर आपको कॉल मैसेज रिसीव होता है तो। ये खुद आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये खुद आपके लिए लड़ना चाहते हैं, बस इनसे आप ना लड़ें। अब हम देखते हैं लास्ट कार्ड, ये 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्यों हर्ट है, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, सक्सेस चाहते हैं ये आपके साथ, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इसलिए हर्ट हैं। मे बी ऑब्स्टिकल्स की वजह से परेशान हैं, चैलेंजेस की वजह से परेशान हैं, या तो आप किसी तरह के थर्ड पार्टी में हैं, या तो ये किसी तरह के थर्ड पार्टी में हैं, या आप दोनों किसी तरह के थर्ड पार्टी में हैं, इनकी फैमिली मान रही है तो आपकी नहीं मान रही है, आपकी मानेगी तो इनकी नहीं मानेगी, या इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, तो ऑब्स्टिकल्स से परेशान हो गए हैं ये, इस तरह की एनर्जी है, लेकिन ये सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं ये इस रिलेशनशिप में। देखते हैं डेस्टिनी में क्या है, डेस्टिनी का कार्ड क्यों आया है, क्या है डेस्टिनी में, चैरियट बॉटम ऑफ द डेक, एम्प्रेस, होप। आने वाले टाइम में ये थर्ड पार्टी को लेकर कोई डिसीजन लेने वाले हैं, हो सकता है किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन में हो, या तो इनकी फैमिली इनकी कार्मिक हो, या तो इनके लाइफ में ऑलरेडी इनके हस्बैंड या वाइफ हो, लेकिन आपको होप रखनी है आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी एंड होगी और यही आपकी डेस्टिनी में है, सक्सेस आपको मिलेगी। जिस 2 सिचुएशन में ये जगल कर रहे हैं एक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और यहाँ थर्ड पार्टी को ख़त्म होता हुआ देख रही हूँ मैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स एम्प्रेस चैरियट, चैरियट थर्ड पार्टी को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ये ले सकते हैं, आपको होप रखनी है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आप दोनों सोल कनेक्शन में हैं तो आपका डेस्टिनी सेम है, अप एंड डाउन्स बहुत आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ ही सक्सेस चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और आप ही के साथ रीयूनियन चाहते हैं। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपकी तरफ बढ़ने की, लेकिन आपको इनको सपोर्ट करना है, ना कि इनसे लड़ाई करनी है, आर्ग्यूमेंट्स करना है, डाउट करना है, ट्रस्ट इश्यूज़ करने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एंजल गाइडेंस, क्या गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए,
प्लीज गाइड कर एंजल्स. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. अपॉर्चुनिटी, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लाइफ में. लुक फॉर अ साइन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. सक्सेस, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी. स्टैंड लेंगे आपके पर्सन आपके लिए, विक्ट्री मिलेगी आपको. कम्युनिकेशन भी होगा, कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आया है. गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड रोमांस, आप दोनों का लव बहुत स्ट्रांग है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है. आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए खड़े होना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा है इस वजह से, परेशानियाँ हैं, लेकिन आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है. सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ठीक है. बिल्कुल भी नेगेटिव वाइब्स क्रिएट ना करें इस समय, कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, वरना वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी. देखते हैं कुछ लव मैसेजेस और फिर हम करेंगे रीडिंग को एंड. चलिए कार्ड्स आ गए हैं. फर्स्ट कार्ड है, यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ. हो सकता है आप कई बार ऐसी बातें जानबूझकर करते हो जिससे कि आपके पर्सन अगर किसी तरह के स्ट्रेस में हैं तो वो उस स्ट्रेस से बाहर निकल जाएं. इफ़ ऑल आई एवर हैड वॉज यू, दैट वुड बी एनफ. इनको सिर्फ आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए, ये खुद आपके बिना अधूरा फील करते हैं. आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, जैसा कि हमने एनर्जी में भी देखा कि ये डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं. यू टर्न मी ऑन सो क्विकली, अगर ये किसी सैड मूड में हैं तो आप इन्हें बहुत जल्दी खुश कर देते हो, अपनी बातों में डाइवर्ट कर देते हो इनका माइंड. वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर, समय का पता नहीं चलता जब आप दोनों साथ होते हो. आई नो यू ऑल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी. आप हमेशा इनका साथ दोगे हर अप एंड डाउन में, ये जानते हैं, इन्हें विश्वास है आप पर. यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बींग, आप बहुत ही नेक दिल इंसान हो, ऐसा इन्हें पता है, फील होता है. यू कैन गेस वॉट आई एम गोइंग टू से, समटाइम्स हो सकता है कि ये क्या बोलने वाले हैं आप पहले ही गेस कर लेते हो, जो कि इनको बहुत ही शॉकिंग लगता है. अगर आप आत्मा से कनेक्टेड हैं तो आप एक दूसरे को मिरर करते हैं, इसलिए ऐसा होता है. You are the light in my life. आप इनके लाइफ में लाइट हो, sunshine. Bottom of the deck है, when I am with you, I can be myself. जब ये आपके साथ होते हैं तो ये बिल्कुल निश्चिंत होते हैं, अपने real self में होते हैं. सो ये थी आज की रीडिंग. होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो. अगर आने वाले टाइम में ये रीडिंग, ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो, ज़रूर मुझे बताएं. वीडियो अगर आपको गाइड करता हो ज़रूर वीडियोस को लाइक करें, और मेरा चैनल अगर आपको गाइडेंस देता हो तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.